नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। प्रेगनेंसी की खबरों के बीच पति के साथ डिनर पर पहुंची अर्पिता खान, अच्छे पति की तरह बेटे का ख्याल रखते दिखाई दिए आयुष शर्मा। हाल ही में खबरें सामने आई थी कि सलमान खान की बहन अर्पिता मां बनने वाली है, जिसके बाद से ही तरह तरह की बातें शुरू हो गई थी। वो बात अलग है कि अब तक भी किसी ने इस खबर को सही नहीं ठहराया है। इन अफवाहों के बीच बीती रात अर्पिता अपने पति संग डिनर करने निकली थी। यहाँ पर दोनों अपने बेटे के साथ पहुँचे थे और देखते ही देखते इन दोनों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। बीती रात अर्पिता शर्मा अपने पति आयुष के साथ डिनर पर जाती नजर आ रही हैं। काफी समय बाद इन दोनों को मुंबई में इस तरह से स्पॉट किया गया। इस दौरान अर्पिता और आयुष के साथ उनका बेटा भी दिखाई दिया। यहाँ पर आयुष अपने बेटे को बार बार संभालते नजर आए। मीडिया को सामने देखते ही अर्पिता और आयुष मुस्कुराते हुए नजर आए। इस दौरान ये कपल बड़ा ही प्यारा लग रहा था। काफी समय से खबरें आ रही है कि अर्पिता खान दोबारा मां बनने वाली है। वो बात अलग है कि अभी तक इनकी परिवार की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। इतना ही नहीं, आयुष एक अच्छे पिता की तरह अपने बेटे का खास ख्याल रखना नहीं भूलते हैं। और वैसे भी आयुष और अर्पिता की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद करते हैं। इन दोनों को अक्सर कहीं ना कहीं किसी ना किसी इवेंट या पार्टी में साथ में देखा जाता है। अर्पिता को जब जब मिलता है अपने पति के साथ वक्त बिताने का मौका, वो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती है। वही पिछले दिनों मुंबई मिरर की रिपोर्ट के अनुसार अर्पिता दूसरी बार मां बनने वाली है और ऐसे में पति आयुष शर्मा उनका बेहद ख्याल रख रहे हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही थी। आप जानते हैं कि सलमान अपने भांजे आहिल शर्मा के कितने करीब है और अब ऐसे में एक बार फिर से वो मामू बनने वाले हैं। गौरतलब है कि अर्पिता और आयुष ने साल 2014 में एक दूसरे से शादी की थी। शादी के दो साल बाद मार्च के महीने में अर्पिता ने बेटे आहिल को जन्म दिया था और अब शादी के 4 साल बाद अर्पिता अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। हालांकि अभी तक अर्पिता की सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी की खबर कंफर्म नहीं हुई है। फिलहाल तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको अर्पिता आयुष की जोड़ी कैसी लगती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।